हेलो फ्रेंड्स, मालवा रेसिपीज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं गाजर के पराठे। पराठे तो हमने बहुत सारे खाए हैं, लेकिन गाजर के पराठे अगर आप खाएंगे एक बार तो इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं हमें गाजर का पराठा किस तरीके से बनाया जाता है, उसके लिए सामग्री देख लेते हैं। सामग्री में मैंने लिया है ये, यहाँ पे गाजर देख सकते हैं। गाजर की जो साइज़ है मैंने काफ़ी छोटी छोटी ली है। ये बहुत नरम रहती है और इसका जो वो बनते हैं पराठे, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आप जो कभी भी है गाजर के पराठे बनाते तो नरम ही गाजर लें। मैंने यहाँ पे इस तरीके से गाजर को धोकर छीलकर कद्दूकस करके एक बाउल में निकाल लिया है। तो ये जो हो गई हमारी कद्दूकस हुई गाजर, ये मैंने एक बाउल ली है, छोटा वाला बाउल है। और बड़ा वाला बाउल जो है हमने आटा लिया है, गेहूं का आटा। यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल लिया है पराठे में लगाने के लिए। जो भी आप ऑयल या घी पसंद करते हैं पराठे में वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है अदरक, 1 इंच का टुकड़ा है जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है। 1.5 इंच हमने नमक लिया है, ये नमक हम आटे में भी डालेंगे इसलिए हमने ज़्यादा ले लिया है। 1 चम्मच हमने लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है। 1/2 चम्मच हमने ले लिया है हल्दी का पाउडर। तड़का लगाने के लिए ले लिए है हमने 1 चुटकी राई और 1 चुटकी जीरा। स्वाद बढ़ाने के लिए ले लिया है हमने इसे गरम मसाला। तो ये तो हो गई हमारी सामग्री। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, थोड़ा सा भी अगर मिस होगा तो आपके जो पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो पूरा वीडियो देखते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर दिया है, यहाँ पे एक पैन को गरम रख दिया है। इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल है जो है हमने ज़्यादा ले लिया था ताकि हम इसे फ्राई करने में भी यूज़ करेंगे, पराठे के ऊपर लगाने के लिए भी। तो इसे डालेंगे हम चम्मच से, 2 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें राई और जीरा डालेंगे। राई और जीरा हमारा चटक गया है, इसमें हम अदरक डालेंगे। अदरक का कलर चेंज हो गया है, इसमें हम गाजर को डालेंगे। इसे 5 मिनट तक हम कुछ भी नहीं डालेंगे और ऐसे ही पकाएंगे। इसके 5 मिनट हो गए हैं और हमारे जो गाजर है ये थोड़ी कुक होने लगी है, ये लीजिए इस तरीके से। और यहाँ पे हम इसमें डालने वाले हैं अब मसाले। तो नमक जो है हम इसमें से थोड़ा निकाल लेंगे आटे में डालने के लिए, और यहाँ पे ये जो मसाले हैं हम इसमें सारे डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये मिक्स करने के बाद इसे हम पकने देंगे लो फ्लेम पे और इसे ढककर पकाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से पक भी जाएगा और जब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो आटा है हम इसे गूंथ लेते हैं। नमक जो हमने बचाया था उसे डाल दिया है, इसे मिक्स कर लेंगे और आटे को हम मीडियम गूंथ लेंगे जैसा हम रोटी का गूंथते हैं। इसे बहुत ज़्यादा कड़ा ना गूंथना है। आटा जो है हमारा रेडी हो चुका है और आटा हमने इस तरीके का लगाया है जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं। तो इसे हम रख देते हैं और जब तक हम देखते हैं हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हुई है नहीं। स्टफिंग हमारी पक चुकी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। इसे कर देते हैं गैस को बंद और इसे ठंडा कर लेते हैं। आटा हमारा सेट हो गया है, इधर स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो गई है। आटे को हम इस तरीके से चिकना लेंगे, आटे की हम लोइयां बना लेंगे। तो देखिए हमने सारी लोइयां बनाकर तैयार कर ली है और इधर स्टफिंग जो है इसे हम जो है ये कर लेंगे। यहाँ पे हमने सूखा आटा ले लिया है, थोड़ा सा हम सूखे आटे में हाथ ही करेंगे और इसकी स्टफिंग वाली लोई तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें सूखे आटे को लगाना है। और यहाँ पे जो है हम जैसे पूरन पोली बनाते हैं, आलू के पराठे बनाते हैं, इसी तरीके से हमें जो लोई है इसे गोल गोल कटोरी का शेप दे देना है और यहाँ पर स्टफिंग इसके अंदर हमें डाल देना है। तो इसे हम डालेंगे 1 चम्मच से। दबाते हुए आप थोड़ा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच इनफ रहता है इतनी बड़ी लोई के पराठे बनाने में। इसे हम इस तरीके से दबाएंगे, ये देखिए
ये हमने कर दिया है। इसका आटा थोड़ा गीला रहेगा तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे करते हुए इसे हमें ऐसे कर देंगे ताकि इसका जॉइंट भी नहीं दिखेगा, और जो है लोई हमारी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। यहाँ पे इसे हम डालेंगे सूखे आटे पे और इसे हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सूखे आटे पे इसे रखा है, इसे हमें इस तरीके से करना है ये देखिए, और इसे हम पूरी तरफ सूखा आटा लगा देंगे और हल्के हाथ से इसे हम बेल लेंगे। थोड़ी देर हम इसे बेलेंगे फिर वापस से सूखा आटा लगाएंगे। कहीं से भी अगर हमारा आटा निकलता है तो हमें इस तरीके से सूखे आटे को डालना है और इसे हमें बेल लेना है। ये देखिए पराठा हमारा तैयार है। जब तक हम देखते हैं तवा को गर्म हुआ है या नहीं। तवा हमारा अच्छा गर्म हो गया है, पराठे को हम डालेंगे। पराठे का ऊपर से कलर चेंज होने लगा है, नीचे से ये पकने लगा है। इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल और इसे हम फैला देंगे। इसे हम पलट देंगे। वापस ऑयल लगाएंगे और फ्लेम को हम लो रख देंगे ताकि लो फ्लेम पे अच्छे से पक जाए। पराठे आप जब भी बनाते हैं लो फ्लेम पे पकाएंगे तो आपकी पराठे जो है बहुत ही अच्छे से सिक कर तैयार होंगे। आप जो भी झारा चमचा पकड़े हैं इस तरीके से इसे दबाएंगे तो पराठा जो है बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। बाहर पराठे की स्टफिंग अगर निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पराठे का लुक बहुत ही अच्छा आता है, कलर बहुत अच्छा दिखता है। बच्चे को या बड़े हो उनका मन कर जाता है कि हम पराठे जल्दी से जल्दी खा लें। बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं पराठे। तो पराठा जो है हमारा सीक चुका है, हमने इसे बहुत ही अच्छे से पलट पलट के पकाया है और पराठे को हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी पराठे भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो पराठा है एकदम फूल चुका है और बहुत ही अच्छे पराठे बनकर तैयार हुए हैं हमारे, और सारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारे पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। तो फाइनली हमारे गाजर के टेस्टी पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और हर किसी का मन करता है देखते ही खा ले। ये जो पराठे हैं दही के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आप अपने पसंदीदा चटनी या अचार के साथ भी खा सकते हैं, सुबह मॉर्निंग के समय में आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं इसका, और या टिफ़िन वगैरह में ले जाना है या कहीं सफ़र में जाना है तब भी आप इसे बना सकते हैं। जब कुछ अच्छा है चटपटा खाने का मन करता है जब भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपीज़ के साथ। हैप्पी कुकिंग।